तो दोस्तों हर चीज़ में हम लोगों को कुछ यूनिक देखना पसंद होता है, हम लोग हर चीज़ में कुछ यूनिक ढूंढना चाहते हैं, तो एंटरटेनमेंट में हम लोग क्यों पीछे रहे। तो कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ हो चुकी है मूवी हम दो हमारे दो। हम दो हमारे दो इस शब्द का प्रयोग अधिकतर हम लोग पति पत्नी और उनके फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड करते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट कुछ अलग होने वाला है। यहाँ पर हम लोगों को कुछ अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि अधिकतर हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, यहाँ पर बच्चे पेरेंट्स को अडॉप्ट करते हुए देखेंगे, और यही चीज़ इस मूवी को यूनिक बनाती है। ये मूवी अभी 29 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ हुई है, और जहाँ तक इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.5/10 है। IMDb रेटिंग ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जहाँ पर स्टार्टिंग में आपको कॉमेडी देखने को मिल जाती है तो लास्ट में ये मूवी आपको थोड़ा सा इमोशनल कर देती है। तो मूवी में बड़े बड़े एक्टर आपको देखने को मिलने वाले हैं, जैसे परेश रावल, राजकुमार राव, कृति सेनन, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं मूवी के बारे में, आगे मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट सीन में हमें एक ढाबे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक बच्चा बोतल और डंडियों का सीक्वेंस बनाकर पकौड़ों को थाली तक पहुंचा रहा होता है। वहां पर खड़ी जितनी जनता होती है वो उसकी तारीफें करती है और तालियां पीटने लगती हैं। बच्चा इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाते हैं दीप्ति कश्यप को, जो अपने बच्चे को सैंडविच खिला रही होती है, और बच्चा जिद्दी होता है, सैंडविच नहीं खा रहा होता है, और ये सब सीन पुरुषोत्तम मिश्रा काफ़ी देर से देख रहे होते हैं, और वो दीप्ति को एक टक देखते जाते हैं, और वो अपना रेडियो उठाते हैं और उस पर टेप लगाकर गाना बजाते हैं। तभी दीप्ति बाल प्रेमी को, मतलब उस बच्चे को, अपने पास बुलाती हैं और उससे उसका नाम पूछती हैं। तब वो अपना नाम बाल प्रेमी और पुरुषोत्तम मिश्रा का नाम धमाल प्रेमी बताता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि पुरुषोत्तम मिश्रा और दीप्ति पहले लवर हुआ करते थे, लेकिन पुरुषोत्तम मिश्रा की कुछ गलतियों की वजह से अब वो दोनों साथ में नहीं होते हैं। दीप्ति की कहीं और शादी हो गई होती है और उसका एक बच्चा होता है। तभी पुरुषोत्तम मिश्रा बाल प्रेमी को बुलाते हैं और उसको बिल पकड़ाकर जाकर छुप जाते हैं, जिससे कि दीप्ति उन्हें ना देख पाए। दीप्ति बिल डेस्क पर आती है, बिल के पैसे देती है और बाल प्रेमी को टिप देती है और बोलती है कि तुम अपने लिए एक स्वेटर ले लेना, और बोलती है कि बेटा ये नाम अच्छा नहीं है, तुम अपने लिए एक अच्छा सा नाम चूज़ कर लो और वो अपने लिए रख लो। तभी पुरुषोत्तम मिश्रा बोलते हैं कि फैमिली पर 15% का डिस्काउंट है, तुम इसे 15% का डिस्काउंट दे दो। बाल प्रेमी उन्हें डिस्काउंट देता है लेकिन वो पैसे नहीं लेती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं। तभी वो पुरुषोत्तम मिश्रा से पूछता है कि ये फैमिली पर 15% डिस्काउंट का मतलब क्या है। तो पुरुषोत्तम बताते हैं कि सभी होटल वालों ने ये लिख रखा था तो मैंने भी ये लिख लिया, मैं भी अनाथ हूँ, तुम भी अनाथ हो, हमें क्या पता कि फैमिली क्या होती है, बस इतना पता है कि लाइफ में फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सीन में हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना बाल प्रेमी अब बड़ा हो चुका है और उसने अपना एक प्यारा सा नाम भी रख लिया है, ध्रुव। और आज उसके एक ऐप की लॉन्च पार्टी होती है और ऐप का नाम होता है जादूगर। अब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा आदमी बन चुका है। ध्रुव अपनी कार से उतरता है और अंदर एंटर करता है, जहाँ पर वो देखता है कि लोग ऐसे मस्ती कर रहे हैं जैसे किसी शादी में आए हैं, और ये सब देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने एक दोस्त को बुलाता है और बोलता है कि इवेंट मैनेजर को तुरंत मेरे पास भेजो, और इतना बोलकर वो बाहर निकल जाता है और जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर एक व्लॉगर अन्या आई होती है जो उस पूरे इवेंट को कवर करने के लिए आई होती है, वो भी बाहर आती है और ध्रुव के पास वाली सीट पर बैठ जाती है और वो ब्लूटूथ पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। ध्रुव को लगता है कि वो उससे क्वेश्चन पूछ रही है, तो 2-3 क्वेश्चन का आंसर वो देता है, लेकिन इसके बाद उसको पता चल जाता है कि वो ब्लूटूथ पर बात कर रही है। तभी अन्या अपनी फ्रेंड को बताती है कि ये ऐप बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और इसका VR सिस्टम तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया,
और वो तारीफें कर रही होती है और वो बोलती है कि यहाँ पर किसी जादूगर को आना था लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। तभी उसकी नज़र ध्रुव पर पड़ती है जिसने ब्लैक टक्सीडो पहन रखा होता है। तभी अन्या को लगता है कि यही जादूगर है और वो ध्रुव से बोलती है कि आपका सभी लोग इतनी देर से अंदर इंतज़ार कर रहे हैं और आप यहाँ क्यों बैठे हैं, और वो ध्रुव से उसका नाम पूछती है। तभी ध्रुव अपना नाम जादूगर गोगा बताता है और तभी अन्या उससे दो तीन ट्रिक सीखने की इच्छा जाहिर करती है। तभी ध्रुव बोलता है ओके मैं सिखाता हूँ, और वो उसे आंखें बंद करके एक डीप ब्रेथ लेने को बोलता है। और जब वो अन्या यह ऐसा कर रही होती है ध्रुव उठकर वहाँ से जाने लगता है। तभी अन्या आंखें खोलती है और वो बोलती है यार तुम बहुत ज़्यादा रूढ़ हो। तब ध्रुव सॉरी बोलता है और बताता है कि मेरा नाम ध्रुव शिखर है, तुम जिस लॉन्च पार्टी में आई हो ये मेरे ऐप की लॉन्च पार्टी है। तभी अन्या सॉरी बोलती है और अपनी इच्छा जाहिर करती है कि मैं अपनी पेरेंट्स की शादी क्या आपके इस वीआर सिस्टम पर देख सकती हूँ। तभी ध्रुव बताता है हाँ हम कोशिश कर सकते हैं। तब अन्या बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो बोलती है कि मैं अन्या हूँ, मैं एक व्लॉगर हूँ और मैं ये इवेंट कवर करने आई थी, क्या आपका 2 मिनट का क्विक इंटरव्यू मिल सकता है। ध्रुव काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है तो वो ना बोलते देता है। तभी अन्या जिद करती है जिस पर ध्रुव को गुस्सा आ जाता है और वो अन्या से बोलता है क्या मैं 2 मिनट शांति से बैठ सकता हूँ। अन्या ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से सॉरी बोलकर निकल जाती है क्योंकि उसे बुरा लगा होता है। ध्रुव पीछे से सॉरी बोलता रहता है लेकिन अन्या नहीं रुकती है। फिर जब पार्टी ख़त्म हो जाती है, ध्रुव का ऐप लॉन्च हो जाता है, तो ध्रुव अपने दोस्त संटी के साथ स्कूटर पर आइसक्रीम खाने जाता है जहाँ पर उसे अन्या भी दिख जाती है जो अपनी फैमिली के साथ आइसक्रीम खाने आई हुई होती है। तभी ध्रुव अन्या को आवाज़ लगाता है और अन्या उसका इंट्रोडक्शन अपनी फैमिली से जादूगर गोगा के नाम से कराती है। और उसका फैमिली वाले को पूरी बात वो पहले ही बता चुकी होती है कि कितना रूडली बिहेव किया था ध्रुव ने। तभी उसके पापा उसका मजाक उड़ाते हैं ध्रुव का और फिर ध्रुव बातों बातों में अन्या को सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाता है। अन्या भी स्माइल करती है और ध्रुव भी स्माइल करके वहाँ से निकल जाता है। ध्रुव जब अपने घर पहुँचता है तो वो अन्या के ब्लॉग्स देख रहा होता है जिसमें अन्या ने लाइफ की एक अलग ही डेफिनेशन बताई होती है। वो डेफिनेशन और अन्या दोनों ही ध्रुव को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगते हैं। फिर अगले सीन में हमें अन्या के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अन्या के पापा ने अन्या को कुछ फ़ोटोज़ भेजी होती हैं और वो अन्या से बोलते हैं कि इनमें से एक सेलेक्ट कर लो, उससे मिल लो, फिर आगे शादी की बात करते हैं। अन्या बोलती है कि पापा मुझे अभी शादी आदि नहीं करनी है लेकिन उसके पापा जिद करते हैं तो बोलती है कि ठीक है मैं देख लूँगी, और वो इतना कहकर घर से निकल जाती है। जब वो रास्ते में जा रही होती है तो एक पार्क में उसे ध्रुव दिखता है जो कुछ बच्चों को पढ़ा रहा होता है। ये देखकर वो अपनी कैब से उतर जाती है और चुपचाप ध्रुव की पिक ले रही होती है। तभी बच्चे गुड मॉर्निंग मैडम बोलते हैं जिससे कि ध्रुव पीछे देखता है और स्माइल करने लगता है। तभी अन्या बोलती है क्या भाई साहब चैरिटी चल रही है। तभी ध्रुव बोलता है नहीं चैरिटी वैरिटी कुछ नहीं, बस मैं वीकेंड्स में बच्चों को पढ़ाने आ जाता हूँ। तब अन्या बोलती है कि तुम इतने भी रूड नहीं हो जितना तुम प्रिटेंड करते हो, और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। और ध्रुव फिर उस रात के लिए अन्या को फिर से सॉरी बोलता है और उसको बोलता है क्या मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ। तभी अन्या बोलती है तुम तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो, स्कूटर पर ड्रॉप करो, और वो दोनों स्कूटर पर निकल जाते हैं। धीरे धीरे वो लोग आप मिलने लगते हैं, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और एक दिन हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। ध्रुव को कहीं ना कहीं अन्या से प्यार हो गया होता है तो वो अन्या से नर्वस होता है बात करने में। वो दोनों बैठे होते हैं तभी अन्या उसे बताती है कि मुझे डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी ध्रुव बोलता है कि मैं भी एक डॉग एडॉप्ट करने वाला हूँ और जब मैं एडॉप्ट करूँगा तो तुम मेरे साथ चलना।
तभी आन्या बताती है कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जिसकी एक छोटी सी फैमिली हो और एक डॉग हो। यह सुनकर ध्रुव परेशान हो जाता है क्योंकि ध्रुव तो ऑर्फन होता है, उसकी कोई फैमिली नहीं होती है। इस रेस्टोरेंट के बाद वो दोनों एक गुरुद्वारे पर जाते हैं जहाँ पर आन्या उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स एक एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए होते हैं और ये दोनों जो उसे पाल रहे होते हैं वो उसके चाचा चाची होते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ध्रुव और संटी शराब पी रहे होते हैं जहाँ पर ध्रुव संटी से बताता है कि वो आन्या को कितना ज़्यादा प्यार करता है। तभी संटी बोलता है कि क्या जब उसकी शादी हो जाएगी तब तू उसे बताएगा, चल अभी फ़ोन कर और अभी उसे बता। ध्रुव उसे मना करता है लेकिन संटी बहुत ज़्यादा उसे फोर्स करता है। तब ध्रुव आन्या को कॉल करता है और उससे अगले दिन मिलने को बोलता है और सोचता है कि अगले दिन जब आन्या उससे मिलने आएगी तब वो उसे प्रपोज कर देगा। लेकिन आन्या उसे बताती है कि कल पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। ध्रुव ये सुनकर काफ़ी उदास हो जाता है। तभी संटी बोलता है कि यार तू टेंशन क्यों लेता है यार, सब कुछ सही हो जाएगा। तभी ध्रुव के माइंड में एक आइडिया आता है और वो आन्या के पेरेंट्स की वेडिंग अपने VR पे तैयार करता है और उस पर अपने आप को ऐड करता है और उसी वेडिंग के सीन में वो आन्या को प्रपोज करता है। और अगले दिन सुबह चुपचाप वो VR बॉक्स आन्या के रूम में जाकर रख देता है। जब लड़के वाले देख दाख के चले जाते हैं तब आन्या जब रात में फ्री होती है तो वो VR बॉक्स को लगाती है और देखती है जहाँ पर वो अपने माँ और बाप की शादी फील कर रही होती है। तभी अचानक से उसके सामने ध्रुव आ जाता है और वो उसे प्रपोज करता है। आन्या इस सीन को देखकर भाव विभोर हो जाती है और रोने लगती है। अगले दिन वो सीधा उस पार्क में जाती है जहाँ पर ध्रुव बच्चों को पढ़ाता है और वो सीधे जाकर ध्रुव से बोलती है तुम मुझे शादी करोगे और वो उसे किस कर लेती है। ध्रुव काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलती है कि अपने पेरेंट्स को बुला लो, मेरे पेरेंट्स से मिल लें और शादी की बात कर लें। ध्रुव के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि वो अनाथ होता है, उसके पास कोई फैमिली नहीं होती है। तभी संटी को वो पूरी बात बताता है और संटी और ध्रुव निकल पड़ते हैं माँ और बाप को गोद लेने। तभी संटी उसको एक शादी राम से मिलाता है जिसके पास शादी के हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है और वो काफ़ी सारे लोगों को बुलाता है माँ बाप के इंटरव्यू के लिए लेकिन कोई भी ध्रुव के माँ बाप के रोल में फिट नहीं बैठता है। तभी ध्रुव काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो जब सो रहा होता है तो उसे सपने में पुरुषोत्तम मिश्रा मतलब धमाल प्रेमी दिखाई देते हैं और उसके मन में सीधा आता है कि जिन्होंने मुझे पाला है तो वही क्यों नहीं मेरे बाप बन सकते हैं। और वो सीधा उसी ढाबे में पहुंचता है अगले दिन जहां पर उसे पता चलता है कि 10-11 साल पहले ही पुरुषोत्तम मिश्रा ने उस ढाबे को बेच दिया है था और वो कहीं निकल गए थे। तभी वो उस ढाबे वाले से उनका पता मांगता है और पता लेकर वो सीधा पुरुषोत्तम मिश्रा से मिलने चला जाता है और वो एक ओल्ड एज होम में जाते हैं जहाँ पर पुरुषोत्तम मिश्रा अपनी और दीप्ति की लव स्टोरीज बुड्ढों को सुना रहे होते हैं जो उनके साथ रहते हैं। तभी ध्रुव वहाँ पहुँचता है और उन्हें प्रेमी चाचा कहकर बुलाता है और कमरे में ले जाकर अपनी पूरी कहानी बताता है और बोलता है कि आपको मेरा बाप बनना होगा। पुरुषोत्तम मिश्रा उससे गुस्सा होते हैं क्योंकि जब वो ढाबे से भागा था तब उसने किसी को नहीं बताया था और वो आधी रात में भाग गया था। पुरुषोत्तम मिश्रा उसे मना कर देते हैं। तभी ध्रुव और संटी जब उदास होकर जा रहे होते हैं तभी उसी ओल्ड एज के एक आदमी उसको बुलाते हैं और उसे दीप्ति का पता देते हैं। ध्रुव दीप्ति कश्यप का पता लेकर वहाँ से निकल जाता है और सीधे दीप्ति कश्यप के घर पर पहुँच जाता है। वो उनको सारी बातें बताता है। पहले दीप्ति कश्यप मना करती हैं, जब वो दीप्ति कश्यप मना कर देती हैं तो वो दोनों बहुत ज़्यादा ढीठ होते हैं
और वो उनके घर के बाहर 2 दिन तक डेरा डाले रहते हैं। बाद में हार कर दीप्ति कश्यप को हाँ करनी पड़ती है और वो तीनों फिर से पुरुषोत्तम मिश्रा के पास जाते हैं और दीप्ति कश्यप को देखकर पुरुषोत्तम मिश्रा भैया पिघल जाते हैं और वो बाप बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ध्रुव दीप्ति कश्यप और पुरुषोत्तम मिश्रा को लेकर अन्य के चाचा चाची से मिलने जाता है। यहाँ पर सारे लोग बैठे होते हैं, सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, तभी अन्य के चाचा पुरुषोत्तम मिश्रा को ड्रिंक ऑफर करते हैं। पुरुषोत्तम मिश्रा बहुत बड़ा शराबी होता है, उसे दारू मिल जाए तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है तो वो दारू पीने चला जाता है। और जब उनके काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो उनका प्यार उमड़ उमड़ कर बाहर आने लगता है और वो फिर दीप्ति कश्यप को वहीं पर प्रपोज करने लगते हैं। ये सारा सीन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और अन्या के चाचा चाची और अन्या वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ध्रुव और दीप्ति पुरुषोत्तम मिश्रा पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं अगले और अन्या इधर अपने चाचा को समझा रही होती है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, वो अपनी वाइफ को प्रपोज कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। और ये सब सुनकर उनके चाचा मान जाते हैं और उनको फ़ोन करते हैं कि हम आज ही आपके घर आ रहे हैं। घर काफ़ी बिखरा हुआ होता है क्योंकि अभी तक ध्रुव अकेले रह रहा होता है, वहाँ पर कोई फैमिली की फीलिंग नहीं होती है। तो पुरुषोत्तम मिश्रा उन्हें बोलते हैं कि अभी अच्छा मुहूर्त नहीं है, मैं मुहूर्त निकलवा कर आपको बताता हूँ। फिर वो जल्दी जल्दी पूरे घर को सेट करते हैं। दीप्ति रोज़ ध्रुव को खाना बनाकर देती हैं ऑफिस के लिए। और फिर एक दिन जब ध्रुव ऑफिस गया होता है तो अचानक अन्या और उसकी फैमिली आ जाते हैं, तभी दीप्ति और पुरुषोत्तम उन दोनों का स्वागत करते हैं और आपस में बातें चल रही होती हैं। तभी दीप्ति तुरंत फ़ोन कर देती है ध्रुव को कि जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर वो लोग आ चुके हैं। ध्रुव किसी तरीके से जल्दी जल्दी आ रहा होता है, तभी वहाँ पर सब कुछ अच्छे से निपट जाता है और अन्या के चाचा बताते हैं कि अन्या कुछ दिनों तक आपके साथ रहेगी। अन्या के चाचा ये पता करना चाहते थे कि अन्या क्या ये फैमिली के साथ खुश रह पाएगी। अन्या वहाँ पर रुकती है, ध्रुव भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और धीरे धीरे अन्या को पुरुषोत्तम और दीप्ति पसंद आने लगते हैं। पुरुषोत्तम और दीप्ति के बीच भी काफ़ी कुछ ठीक होने लगता है और पुरुषोत्तम और दीप्ति ध्रुव को अपना बेटा मानने लगते हैं। धीरे धीरे सब कुछ सही जा रहा होता है और एक दिन दीप्ति ध्रुव के ऑफिस पर जाती हैं खाना लेकर, जहाँ पर वो उसे बताती हैं कि मेरे बेटे का भी ऑफिस ऐसा ही होगा, वो भी एक आईटी सेक्टर में काम करता है। और ये बोलकर वो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो बताती हैं कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया था क्योंकि हम लोग उसकी शादी को लेकर उससे गुस्सा हो गए थे और वो कभी लौट कर ही नहीं आया और वो अपने फादर के फ्यूनरल पर भी नहीं आया था। ये सब सुनकर ध्रुव को भी थोड़ा सा अजीब लगता है, कहीं ना कहीं ध्रुव भी दीप्ति को अपनी माँ मानने लगता है और वो बोलता है कि आज मेरी माँ आई है, आज मैं टेबल लगाऊंगा। और वो टेबल लगाता है, दोनों साथ में लंच करते हैं और वो दीप्ति को पूरा ऑफिस दिखाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दीप्ति पुरुषोत्तम ध्रुव और अन्या के घर जाते हैं और वहाँ पर शादी की डेट फिक्स करते हैं। और यहाँ पर अन्या के चाचा एक और शर्त रख देते हैं कि भाई पंजाबी वेडिंग है तो रिश्तेदार भी तो आने चाहिए, अभी माँ बाप नहीं थे तो किसी तरह माँ बाप का जुगाड़ किया गया था, लेकिन अब रिश्तेदारों का जुगाड़ करना, इस पर ध्रुव की टेंशनें और बढ़ जाती हैं। तभी संटी सब जुगाड़ करके वहाँ पर पहुँच जाता है और सारा कुछ सही जा रहा होता है। वहाँ पर शादी राम की नज़रें दीप्ति और पुरुषोत्तम पर होती हैं और वहाँ पर अन्या की बुआ का लड़का होता है जो काफ़ी ज़्यादा शैतान होता है और वो काफ़ी ज़्यादा शैतानी कर रहा होता है। किसी तरीके से बिना किसी दिक्कत के अन्या की और ध्रुव की सगाई हो जाती है। जब संगीत का सीन चल रहा होता है, सभी लोग आपस में डांस कर रहे होते हैं, तभी अचानक से पुरुषोत्तम को कुछ हो जाता है और पुरुषोत्तम
सीधे कमरे में निकल जाता है और अपने आप को लॉक कर लेता है। अगला डांस, अगला शो पुरुषोत्तम का और दीप्ति का होता है, तो दीप्ति जल्दी से जाकर पुरुषोत्तम को बुलाने जाती हैं। जहाँ पर वो पुरुषोत्तम को बुलाती हैं, लेकिन पुरुषोत्तम बोलता है कि मैं कायर हूँ, मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़कर चला गया था। और तभी दीप्ति उसे बताती है कि वो आज भी पुरुषोत्तम को प्यार करती है। ये सुनकर पुरुषोत्तम खुश हो जाते हैं और वो वहाँ से निकलते हैं। तभी शादीराम उनके ढूंढते ढूंढते उनके कमरे में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो लोग रेडी हो रहे होते हैं। और वो उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने कितने पैसे लिए ध्रुव के नकली माँ बाप बनने के। तभी वहाँ पर अन्या के बुआ का लड़का आ जाता है, जिसके हाथ में एक माइक होता है, और वो शादीराम से टकरा जाता है। टकराने की वजह से माइक गिर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। माइक ऑन होता है और जब वो पूछ रहा होता है कि तुमने कितने पैसे लिए, आधे पैसे तुम मुझे दे दो, तुम असली माँ बाप तो नहीं हो ध्रुव के, ये सारी बातें अन्या और अन्या की फैमिली सुन लेती है। फिर किसी तरीके से ध्रुव उसको माइक को ऑफ करते हैं और गाना बजा देता है। फिर काफ़ी बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है, अन्या के चाचा गुस्सा हो जाते हैं और अन्या की और ध्रुव की सगाई कैंसिल हो जाती है। ध्रुव काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है इस चीज़ से, उसका कहीं मन नहीं लग रहा होता है। ये सब देखकर दीप्ति को और पुरुषोत्तम को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, तो वो दोनों अन्या के घर जाते हैं सॉरी बोलने के लिए, और वो ये बोलने के लिए कि बच्चों की शादी करा दो। अन्या के चाचा बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, तो वो उन दोनों की इंसल्ट करते हैं और अन्या की शादी का कार्ड देते हैं और बताते हैं कि अन्या की दूसरे लड़के से शादी हो रही है। जब वो दीप्ति और पुरुषोत्तम घर जाते हैं, तो ध्रुव भी उन पर गुस्सा होता है कि आप लोग क्यों गए थे उनके पास, हम लोग खुश हैं आपस में। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि अन्या और अन्या की फैमिली साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तब अन्या की बहन की अपने पापा से बहस हो जाती है और अन्या की बहन बताती है कि आज ध्रुव के माता पिता आए थे और इन्होंने उनकी इंसल्ट करी, और बताती है कि ध्रुव ने कुछ भी गलत नहीं किया और उसने जितना भी कुछ किया वो उसने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे प्यार के लिए किया है, तुम समझो। अन्या को भी ये बात समझ में आती है और वो अगले दिन फिर से उसी पार्क में जाती है जहाँ पर ध्रुव पढ़ा रहा होता है, और वो उसे प्रपोज करती है फिर से शादी के लिए और फिर से उसे वहाँ पर किस करती है। इसके बाद उनकी शादी हो जाती है और इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ मूवी हम दो हमारे दो। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ कुछ नया दिखाने का कोशिश की गई है, और ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोगों को अधिकतर मूवी में नहीं देखने को मिलता है, और हैप्पी एंडिंग भी देखने को मिल जाती है, तो हम लोगों को और क्या चाहिए भाई। बहुत ही अच्छी मूवी लगी मुझे तो, और आप लोग को ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और जो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस और मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।